उत्तराखंड के जसपुर में बीते दिनों हुए हत्याकांड के बाद अब विपक्ष को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर सवालिया निशान उठाए हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि उत्तराखंड पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई है और इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यशपाल आर्य ने कहा कि अब जनता के मन में डर सताने लगा है क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। इससे बड़ी शर्मनाक बात और इससे बड़ी सवाल खड़े निश्चित रूप से होंगे कि आखिरकार उत्तराखंड की सरकार खामोश क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसके दबाव में है, अपराधियों में डर भय क्यों खत्म हो गया है, जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा कहना है कि सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश में जो जनता में एक भय और डर व्याप्त है वो खत्म हो सके, जनता की सुरक्षा हो सके, यही मैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी सरकार का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि जसपुर में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और इस घटना की संवेदनशील तरीके से जांच कराई जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कानून व्यवस्था की स्थिति वाले विषय में, देखिए कानून व्यवस्था वाली स्थिति में जो कल जसपुर की घटना हुई है, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि वो एक ऐसी घटना हुई है कि जिससे हम लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और कानून व्यवस्था में जो है कि और अधिक तेजी लाई जाए, इन सब विषयों को लेकर के सरकार संवेदनशील है और काम भी कर रही है।